अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब स्टार्ट हो रहा है ब्लॉग नेक्स्ट, क्योंकि जो डोंगा गली की गली का ब्लॉग था जो हम लोगों ने ट्रैक किया पूरे जंगल में, वो ब्लॉग अपलोड हो गया। आप लोग जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और इंजॉय करें। अभी जो मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ वो डोंगा गली से लेकर मरी टूर तक है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाड़ी ये रही हम लोगों की, अब जहाँ हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और काफी ज्यादा ठंड लग रहा है। गेट इज ओपन, अनाबो हट जाइए, आपकी जगह नहीं है। अरे तुम्हारा हाथ गंदा हो रहा, पूरा चिटोस कर इसने अपना हाथ गंदा किया। अच्छा, ये अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, अब जा रहे हैं नथिया गली की तरफ। 2 किलोमीटर है ये होटल वगैरह स्टे वगैरह करने के लिए, लेकिन हम लोगों को तो स्टे नहीं करना था। शाम का व्यू तो सबसे अच्छा व्यू होता है। ये हम लोग नथिया गली के रोड पर है, फिर वापसी इसी रोड से ही जाना हमें, जिस रोड से हम लोग आए। शाम का व्यू तो सबसे अच्छा व्यू होता है। वो सामने से हम लोग आ रहे हैं ना, वो आगे से मजा आ गया, क्योंकि तो इतनी बर्फबारी भी अच्छी खासी हमें मिली, एक अलग ना मजेदार इंजॉयमेंट हो गई। ट्रैक किया ना हम लोगों ने जंगल का, वो काफी अच्छा ट्रैक था हम लोगों का, काफी ज्यादा उस ट्रैक में मजा आया। उसका ब्लॉग देख लेना आप लोग। ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, ये कोई अपना ड्राइवर होगा जो खुद लेकर जा रहा होगा, पास होती शायद विकनार है, विकनार गाड़ी की एक्सीडेंट हुई थी। ये व्यू शाम का हो, ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर पार्क की तरफ और ये नीचे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये ऊपर जो है रास्ता जा रहा है, ट्रैक है ऊपर दादाजार का। अच्छा क्योंकि पहले ही हम लोग इतना ज्यादा ट्रैक करके आए ना, ये टाइम नहीं है। असल चीज ये भी है कि एक दिन कौन सा नहीं, वो नीचे वाला रोड है आगे की, फूड स्ट्रीट काफी अच्छा बनाया हुआ है। नथिया गली के ऊपर जो आ रहे हम लोग मार्केट की तरफ नहीं गए, अपने माल भी देखना है, तो इसीलिए मैं ऊपर डायरेक्ट ले आया हूँ पार्क की तरफ। हाँ ये सही किया। और जो यहाँ से जो ये जिप लाइन है पूरी नथिया गली हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ अनाबिया तो हो रहे, ये ना जिप लाइन है, उधर जाके बस उतर गए, छोटे ही सही है और नीचे पार्क है। ओपन ओपन, ये रहा ना नथिया गली। गवर्नर हाउस, गवर्नर हाउस कौन सा, इसमें वो सामने लिखा हुआ गवर्नर हाउस।
ये भी रास्ता मेरे ख्याल से कहीं जा रहा है। रिट्रीट हाउस, ये नीचे पार्क वगैरह बनाया हुआ है बैठने के लिए। यहां से भी ये सामने का व्यू काफी मजेदार आ रहा है। ओहो, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रहे हो, ये देखो तो। ये पहाड़ में पूरी बर्फ ही बर्फ है। और ये चर्च अंग्रेजों के दौर में ये बनाया गया था, चर्च बोलते हैं इसको। और ये इस साइड का व्यू, ये तो नीचे खाई है। ये नथिया गली की ना पार्क है, पार्क वगैरह। और इधर ना छोटा सा वो लगाया हुआ बस इधर से उधर जाने के लिए। और बाकी नीचे जाएंगे तो नीचे मार्केट है और अंधेरा होने वाला है इधर। फिर ये नीचे रोड जा रहा है कहाँ? अच्छा, ये कितना दूर है? दूसरा ये आगे निकल रही है मेरा जाने ट्रैक की तरफ, वहाँ से मेरा जाने का ट्रैक निकल रहा है कि नीचे जाके थोड़ा सा। जी जी, अच्छा। और ये जो गवर्नर हाउस है, अच्छा आगे जाके, अच्छा गवर्नर हाउस है। इधर घूम चुके हम लोग, अब हम लोग निकल रहे हैं मरी की तरफ। मरी जाएंगे और माल रोड जाएंगे, उधर से घूम फिर के फिर सीधा घर जाएंगे। अब जिस रास्ते से आए थे हम लोग उसी रास्ते से वापसी जा रहे हैं। अब किस तरफ जाना है? अब मरी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये जो व्लॉग होगा वो नथिया गली टू मरी होगा। ये जो आईज में जो रोशनी पड़ती है ये बड़े खतरनाक है। वकार भाई बोल रहे जो जो ये देख रहा है घर बैठे मजे करवा रहे पूरा बिना कोई खर्चा किए। सारे देख तो रहे हैं, आप सब्सक्राइब करें। फुल अंधेरा हो रहा है, सिर्फ गाड़ी की लाइटें और कुछ भी नजर नहीं आ रहा इधर। और इस तरफ तो मौसम बिल्कुल शुरू हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आराम करने, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। फिर जब मरी पहुँचूँगा तो फिर ही उठकर ब्लॉग बनाऊँगा। अभी हम लोग मरी इंटर किए हैं, अभी माल रोड जाना हम लोगों को तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर है। ये बस टर्मिनल है, नीचे बस टर्मिनल है। हाँ, तभी इधर सारे होटल्स वगैरह है ना। मरी पहुंच चुकी है और यहाँ काफी तेज हवा चल रही है और हम लोगों को जाना भी माल रोड बस टर्मिनल से छोटी गाड़ी पड़ जाएगी, गाड़ी इधर ही पार्किंग में होगी। अब इधर से कुछ अगर सामान वगैरह लेना होगा तो बच्चों के लिए सामान वगैरह लेंगे, वरना तो फिर ऊपर माल रोड जाएंगे। नहीं आ रही थी, फुल नींद में थी, बोली मैं नहीं जाऊंगी ऊपर, लेकिन हम लोग उसको जबरदस्ती ले कर आए। और इधर ना ठंड काफी ज्यादा हो रही है, हवा चल रहा है, हवा ना काफी ज्यादा तेज है इधर। ये पूरा शॉपिंग मार्केट है, बहुत तेज ठंड लग रही है। अभी माल रोड में ठंड हो, माल रोड में ठंड हुआ नहीं होगा। पान खाना है ना, एक ले दो ले, मीठा पान दे दिए, ज़्यादा मीठा पान नहीं डालिएगा। अभी हम लोग यहाँ से जाते जाते मीठा पान डाल लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रहा है। आपको मैं दे दूँगा, बच्चे पान नहीं खाते, मालूम है तुम्हारा। बस इसका मुँह अच्छा, आओ दिला रहा हूँ, आओ आओ आओ, इसको कोई भी बोले मित्रा आ जा। अंकल से पान बनवाते,
बना हुआ अंकल बनाएंगे। अच्छा बनाएंगे दो दो, वो ना इतना ज्यादा मीठा नहीं डालना एक में। मीठा डलवाते इसके में काम बिल्कुल सही है। बार बार ये आ जा रही है अपना खिलौना लेने। बड़ा मजेदार बनाया। चलो यार चलता आ जाओ ना। वो बस इसको कभी क्या चाहिए। इतना देर करवा दिया इसने लेकिन कुछ भी नहीं। पैसा वगैरह सब दे दिया था लेकिन बोली मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, दूसरी दुकान से चाहिए। तो अभी ये जा रही है आगे, देखते हैं इसको कोई कुछ पसंद आ जाए तो ज़्यादा अच्छा। ये पूरा माल रोड है मरी का और यही जगह है घूमने का। अभी हम लोग स्मोक भी करेंगे, पीछे स्मोक वाला भी था लेकिन अभी हम लोग आगे घूमने के बाद पीछे जाएंगे स्मोक करने। बस अभी अनाविया के पीछे ही भाग रहे हैं, जब तक इसने कोई चीज नहीं लेना इसने जान नहीं छोड़ना। ये पेंटिंग ले लो। नहीं, इसके पास। अच्छा अच्छा अनाविया ये लास्ट दुकान है, इसके बाद नहीं जाएंगे शॉप किसी भी। ये सारा खाने का जगह है इधर। जब हम लोग माल रोड से भी थोड़ा सा आगे आए और ये लगा हुआ है ना, ये 1853 में क्या सा था और 1947 में ये था मरी। और फिर ये 1947 में ऐसा था और फिर 2020 में ये ऐसा हुआ। और ये है 2020 में और लास्ट 2021 में मरी ऐसा था। अब जो लगेगा वो 2022 का लगेगा। आगे पिंडी रोड कहलाता है, वहाँ जा रहा है लॉरेंस कॉलेज वगैरह। हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हम लोग वापसी इधर माल रोड की तरफ जा रहे हैं, वापसी रिटर्न हम लोग जा रहे हैं। अभी ना ठंड थोड़ी ज़्यादा, हवा इधर हमारे मरी में ये चीज़ है, हवा ना बहुत तेज चलती है, हवा चल रही है और सर्दी लग रही है काफ़ी ज़्यादा। इसको पता नहीं क्या क्या चीज़ सूझा हुआ, इतने हर जगह इसको बैठना है, कहाँ बैठना है जरा मैं भी देखूँ। नहीं यार क्या है, नहीं अंदर ये मोशन राइट के अंदर ये चीज है। अनाभी तू अनाभी इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या चीज है, कोई भी नहीं। अकेले जाओगे आपको डर लगेगा। आप चले जाएंगे सर, ये अकेले बैठेगी। ये जा रही है मोशन राइट पर, हमने इनको किसी के साथ भेज दिया। जाइए नो, कुछ भी नहीं है, ये फजूल चीज है यार। इसके चक्कर में ना मुझे भी बैठना पड़ गया, वरना मैं इस सब चीज में नहीं
नहीं बैठना हूँ। और इधर कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या करने वाले, ये देखते हैं, ये पता नहीं कौन सी राइड करवा रहे हैं। और अनाविया ये साथ ही बैठी हुई है। बैठना पड़ गया, ये सारा हम लोग घूम रहे काफी तेज तेज, ये जो टीवी में चल रहा है ना, ऐसी हमारी सीटें हो रही है, ऐसा लग रहा हम लोग पीछे जा रहे हैं। मैं एक हाथ से व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ और एक हाथ से ये अनाविया के साथ बैठा हुआ भी हूँ। डर तो नहीं लग रहा मुझे, ये सिर्फ अनाविया की वजह से बैठना पड़ गया। ये हम लोग वापस रिटर्न पीछे जा रहे हैं काफी तेजी से, और ये मेरे हमारी चेयर काफी तेज है। अनाविया मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, मुझे काफी हार्ड है। आप लोग आगे चेयर से अंदाजा लगा लेंगे व्लॉगिंग करना कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। कुछ भी नहीं था यार, ये अनाविया ने टाइम वेस्ट किया मेरा, सही से व्लॉगिंग भी नहीं कर पाया मैं, क्योंकि लाइट वाइट ऑफ करना पड़ रहा था। आ जाओ अनाबो, आ जाओ, सिर्फ टाइम टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी तो व्लॉग में काफी ज्यादा मजा आया। जिसम वगैरह ना वो अच्छे से दबाते हुए बातें, अब चलता हम लोग बाहर पकड़ लेगा वो लोग जा चुके, अब हम लोग भी निकलेंगे। काफी लेट हो गया यार, वीडियो काफी लॉन्ग चले गई है ना, ये वजह से इधर बैठा ना, इस वजह से काफी ज्यादा लॉन्ग हो गई वीडियो। मजा आया? हाँ। आप खुश? अब कुछ नहीं चाहिए? नहीं नहीं, पता नहीं ये क्या है यार, इसको बार बार बोलो कभी होती मोशन राइट लेना, मोशन राइट ला दे तो कभी इसको क्या लेना होता है, इसके कुछ समझ नहीं आ रहा। अनाविया ने गिफ्ट भी ले लिए, ये जीपीओ चौक से ऊपर है। अच्छा जीपीओ चौक जा रहे हैं, मैं यहाँ से पूरी शॉपिंग मार्केट शुरू होती है मार रोड तक, मार रोड के आगे पिंडी रोड है, इधर सारे होटल्स वगैरह बने हुए। हाँ कश्मीर पॉइंट जाते हैं दिन में, लेकिन टाइम हो चुका था, अंधेरा हो गए थे और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इस वजह से हम लोग नहीं गए कश्मीर पॉइंट। बस ये लास्ट है, इसके बाद सीधा गाड़ी में और वहाँ से सीधा घर। ये है क्लॉक चौक ना, डी मरी कैफे, इधर कैफे वगैरह, हाँ कॉफी वगैरह है ना। ये चले ऊपर पूरा दिखाते हुए चलता हूँ, मैं आप लोगों को उस साइड से उतर जाऊंगा, ब्लॉक के लिए करना पड़ता है भाई। ये पूरा बना हुआ है ना कैफे, डी एम मरी कैफे, ये मॉडल स्ट्रीट, ये ना मेन जगह है, इसके बाद से वो माल रोड स्टार्ट होता है। इधर से सीटी लगाया हुआ, अब जा रहे हम लोग वापसी नीचे गाड़ी वाले के पास। गाड़ी की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से निकलना है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। हमारी गाड़ी वो खड़ी हुई है और आज का व्लॉग बस यहीं पैंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नींद भी काफ़ी तेज आ रही है। अब मैं सीधा गाड़ी में सोते हुए जाऊँगा, यहाँ से रास्ते से ही हम लोग कुछ खा पी लेंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, आप लोग दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।